हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं इन 2 महीने की ट्रेनिंग की इम्पॉर्टेंस को, कि किस तरह से आप अपनी 2 महीने की ट्रेनिंग को इम्पॉर्टेंट बना सकते हो और अपने लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो 9522881234 पे कॉल करके ट्रेनिंग रिगार्डिंग आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनली बात करनी है तो 7985211035 पे कॉल करके आप ट्रेनिंग रिगार्डिंग सारी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि ट्रेनिंग किस तरह से शुरू होती है और हम क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम पूरा 86 लाख के प्रोजेक्ट को हम पूरा सॉल्व करते हैं और उसका प्रॉपर एस्टिमेट निकालते हैं विद सॉफ्टवेयर। हम आपको माई बिल्ड कॉस्ट करके सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं जिसमें प्रॉपर आपकी रिपोर्ट बनेगी, प्रॉपर आपका बीओक्यू जनरेट होगा और आपकी टेंडर वैल्यू भी सामने निकल के आएगी। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, एस्टिमेशन के साथ साथ क्वांटिटी सर्वे में भी आपका ऐड होगा और प्रॉपर एक एक चीज़ की आपकी इस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी रिपोर्ट जनरेट होगी। इस तरह से स्मार्टली आप अपनी इंजीनियरिंग को, आप अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको सिखाते हैं ऑटो कैड के साथ भी किस तरह से आपकी सबमिशन ड्राइंग बनेगी, क्योंकि ऑटो कैड तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सिखाया जाता है लेकिन सिविल में एक्चुअल में ऑटो कैड का क्या यूज़ है, नगर निगम से कैसे नक्शा पास करवाना है, उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसेस लगेंगे, क्या क्या नॉर्म्स हैं उनको पता करना है, कैसे सबमिशन ड्राइंग बनेगी और उस सबमिशन ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें होंगी जिससे पूरी सबमिशन ड्राइंग आपकी कंप्लीट होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में, सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में, कारपेट एरिया के बारे में, बिल्टअप एरिया के बारे में और आपका कॉमन एरिया के बारे में। तो दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये आप हम जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लोर एरिया रेशियो, जैसे कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है कवर्ड एरिया इंटू 100 अपॉन प्लॉट एरिया। तो सबसे पहले हम कवर्ड एरिया को समझते हैं। प्लिंथ एरिया के ऊपर जितना एरिया आपको दिख रहा है वो सारा कवर्ड एरिया होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको बता दूं, जैसे 1000 स्क्वायर फीट मेरा कवर्ड एरिया है और 3 फ्लोर में है तो टोटल कवर्ड एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं और आपको लास्ट में बिलिंग में भी सिखाते हैं किस तरह से आइटम रेट बिलिंग करनी है और किस तरह से आपको स्लैब रेट बिलिंग करनी है। मतलब वो आइटम में किस तरह से आपको एक रेट कोड करके आपको बिल बनवाना है और स्लैब रेट में पूरी छत की नाप के अकॉर्डिंग किस तरह से आप अपने काम को ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आइटम वाइज और स्लैब रेट बिलिंग में सिखाई। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपकी कोई साइट है या आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है तो सबसे पहले वो आप वहाँ पर ट्रीज कटिंग करवाएंगे। हो सकता है आपकी साइट में बहुत सारे पेड़ हों तो डेली शेड्यूल रेट में हर पेड़ को काटने का उसकी गिर्थ के हिसाब से अलग सा रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि गिर्थ क्या होती है। सबसे पहले एनजीएल से उसकी 1 मीटर की हाइट तक पेड़ की गिर्थ को नापेंगे। अगर उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में दी हुई तो उसका अलग रेट होगा। फिर अगर कोई दूसरा पेड़ है जिसकी गिर्थ 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर दी है तो उसका अलग रेट होगा, और 120 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर गिर्थ दी हुई है तो उसका अलग रेट होगा। और फिर दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर वाले पेड़ का, जैसे बरगद हुआ और पीपल हुआ, इन सारे पेड़ों की गिर्थ ज़्यादा होती है, वो सब आएंगे 240 सेंटीमीटर वाले गिर्थ में जाएगी। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको साइट विजिट प्रॉपर कराई जाए। जिसमें आपको क्वांटिटी सर्वे में किस तरह से आपको अपनी रेट के हिसाब से कैसे मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है और किस तरह से मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है, आपको पूरी क्वांटिटी सर्वे की और रेट एनालिसिस की आपके साइज रेट में प्रॉपर आपको सिखाया जाता है। कि जैसे कि आपको पूरी इस छत में शटरिंग लगानी है तो उस छत में शटरिंग लगाने के लिए कितना सेंटरिंग पार्ट यूज़ होगा और किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी कि एक प्लाई का साइज़ क्या है और पूरी छत का साइज़ क्या है, उसको डिवाइड करके कैसे हम नंबर ऑफ प्लाईज निकालेंगे, सारी चीज़ें आपको एज ए कैलकुलेशन और उसके बाद साइट विजिट के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। और सारी चीज़ें आपको कैसे किस तरह से छत को लेवल करना है, छत को लेवल करने का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे आप अपनी शटरिंग का लेवल कैसे चेक करना है, ये भी आपको साइट विजिट के माध्यम से सिखाया जाता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि साइट में इसका जाके एकदम से एक्चुअल में यूज़ होता है। आपको साइट में प्रॉपर छत का मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसको
अकॉर्डिंग टू लेवल कास्ट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हाइट कास्ट करना पड़ेगा, कहीं भी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ हम आपको यहाँ की साइट विजिट में भी सिखाते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 9522881234 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।